एक बार एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। जब वह क्लास ले रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, तो सारे बच्चे बड़े ही चाव से सुन रहे थे उनके लेक्चर को और प्रोफेसर के द्वारा पूछे हुए सवालों का जवाब दे रहे थे। पर प्रोफेसर ने देखा कि उन बच्चों के बीच एक बच्चा ऐसा बैठा है जो ना ही लेक्चर पर ध्यान दे रहा है और ना ही जवाब दे रहा है सवालों के, और बहुत ही हताश निराश सा बैठा हुआ है। पहले दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ। ऐसा करते करते 5 दिन गुजर गए। 5 दिन बाद अब प्रोफेसर ने सब बच्चे को बुलाया और बच्चे से पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर ध्यान भी नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? बच्चा थोड़ा हिचकिचाया, फिर हिचकिचाते हुए उसने जवाब दिया, प्रोफेसर साहब, आप नहीं जानते, मेरा अतीत बहुत ही दुखद हुआ है। अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं बहुत हताश और निराश हूँ। समझ नहीं आता कि क्या करूं। प्रोफेसर काफी भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा, तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाया और बिठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और सिकंजी बना के लाए। उन्होंने जानबूझकर सिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा डाला। फिर किचन से बाहर आकर सिकंजी का ग्लास छात्र को देकर कहा, ये लो पियो, सिकंजी है। छात्र ने ग्लास हाथ में लेकर जैसे ही घूंट लिया, वह अजीब सा मुंह बनाने लगा। यह देखकर प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, सिकंजी पसंद नहीं आई? छात्र ने बोला, नहीं सर, सिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। प्रोफेसर ने छात्र से कहा, ग्लास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, अरे अब तो यह सिकंजी बेकार हो गई, लाओ ग्लास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी मिला दीजिए, स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये सिकंजी तुम्हारी जिंदगी है और इसमें घुला हुआ नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव। जैसे नमक को सिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही हम बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर सिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास को घोलना तो पड़ेगा ही। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की यह बात छात्र को समझ आ गई और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। इस कहानी का तात्पर्य बस इतना ही है कि अक्सर होता क्या है कि हम अपने अतीत के दुखों से परेशान रहते हैं, जिससे हम वर्तमान में तो परेशान होते हैं लेकिन अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका अनुभव कभी ना कभी बुरा ना रहा हो, लेकिन हमेशा उसी बुरी अनुभव के बारे में सोचते रहना और जिंदगी का वर्तमान बिगाड़ लेना, भविष्य को बिगाड़ लेना कहीं से भी ठीक नहीं है। कोशिश की जाए कि बुरे अनुभवों को भूला जाए, बुरे अनुभवों को भूल करके कुछ नई यादें, कुछ मीठी यादें, कुछ अच्छे लोगों से मिल करके उसमें मीठी यादें घोली जाएं और जिंदगी को मीठा बनाया जाए, जिंदगी को एक अच्छी बैलेंस सिकंजी बनाया जाए जिसे पीने में मजा आए।